हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। आ रही, आ रही है भाई। नहीं आ रही, कहाँ से आएगी भाई, अब तो सब चालू है। हेलो, आ रही है आई थिंक। हेलो हेलो, आ रही है भाई, आ रही है, आ रही है, सब आ रही है। क्या हुआ? एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना रोज? खाना भूल जाना, दिक्कत नहीं है, पर 1-2 साल तक एनसीईआरटी रोज पढ़ना है ना। हाँ बेटा, अच्छा नहीं है क्या? अरे एडवांस तक की बात कर रहा हूँ भाई, तो मेंस को कंसीडर करके चलते हो क्या? मेंस में मेरा परसेंटाइल था 99 पॉइंट कुछ करके था, 4 कुछ था। और वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा कम हो गया था यार। अगर नॉर्मलाइजेशन, अगर मतलब 2018 में मैं होता तो 1000 के लगभग रैंक थी मेरी, पर 2019 में थोड़ा सा यार एनटीए वालों ने, क्या होता है यहाँ पर कि तुमको एक चीज़ बताता हूँ, नॉर्मलाइजेशन का घाटा। 2018 तक सीबीएसई कंडक्ट कराता था, एक पेपर कंडक्ट कराता था, पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता था। तो उस टाइम पे आप 233, 235 नंबर के लगभग पे आपकी 2000 के लगभग रैंक लग जाती थी, 2000-2500। पेपर कितना भी आसान हो, 360 का एग्जांपल ले लूँ कि 300 का लूँ, 300 का लेता हूँ, 250 नंबर लाना पेपर में बड़ी बात है, भले ही पेपर थोड़ा आसान हो या पेपर थोड़ा सा कठिन हो, 250 नंबर लाना हर पेपर में बड़ी बात है। जब से एनटीए आया है, सपोज 8 लोगों के 250 नंबर है, यहाँ पर देखा है 220, सपोज मैंने मान लिया, हाँ चलो, आप 8 पेपर को कैसे मिक्स अप करके बता सकते हो कि इस पेपर में इस नंबर पर ये रैंक एग्जैक्ट है, इस नंबर पर ये रैंक एग्जैक्ट है, कैसे बता सकते हो? मैंने मान लिया पेपर सरल है, उसमें 220 नंबर ला रहा है कोई बंदा, और एक एक पेपर कठिन है उसमें 220 नंबर ला रहा है, और एक पेपर सरल है उसमें 250 नंबर ला रहा है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि 220 नंबर वाला 250 नंबर वाले के बराबर है? 30 नंबर कुछ नहीं होते क्या? पेपर कितना भी आसान हो, 8-9 क्वेश्चन ज़्यादा करना बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे कोई 1000 क्वेश्चन तो नहीं आते कि 9 पेपर 9 क्वेश्चन सही करना आप कॉमन मान सकते हो, है ना? कितने होते हैं? 75 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें अगर कोई बच्चा 8-9 क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा है और तुम उसको रैंकिंग ज़्यादा दे रहे हो, इवन कभी कभी तो ऐसा हुआ है, मैंने सुना है, और मेरे साथ ही हुआ था यार, 271 मार्क्स पे मेरी रैंक 8 हज़ार, कितनी, 7 हज़ार, कुछ 8 हज़ार थी, और मेरा फ्रेंड मेरे 240 नंबर पे मुझसे अच्छी रैंक लाया था। मन कर रहा था कि एनटीए वालों को, नहीं, उससे क्या, वो तो लाइफ है यार, मैं अगर थोड़ा कम रह गया तो क्या आ जाता है, आता तो मुझे है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी लाइफ में रिजल्ट आप किसी से कम रह जाते हो जिससे आप ज़्यादा होते हो, तो ऐसा नहीं है आपको लाइफ टाइम उसका वो मिलता है। चलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, है ना? तो जब से एनटीए आया है तब से काफ़ी नॉर्मलाइजेशन अच्छा नहीं होता यार। 8 पेपरों को आप मिक्सअप कर रहे हो और फिर रिजल्ट निकाल रहे हो, तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना कि कौन सा किसका सही है, होता है यार। अब क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। सॉल्यूशन तो एक ही था कि एक पेपर लो और उस बेसिस पे आप सबको बताओ, पर ऐसा होता नहीं है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा है ना। हाँ चलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या देखा गया उसमें? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेट करने के लिए मैंने किसकी हेल्प ले ली? एक कॉन्स्टेंट नाम दे दिया, के बी। क्या नाम था? मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट या एबेलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, है ना? चलो, और के बी का फॉर्मूला क्या था भाई, प्लीज रिपीट। हाँ,
आर टी नॉट बी स्क्वायर इंटू एम एम अपॉन डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इंटू 1000 है, इज दैट एम आई करेक्ट? तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की थ्योरी थी, समझ में आया? अब ना मैं आप इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मैं आपको एस डेल्टा एस जानते हो क्या होता है? एंट्रोपी का नाम सुना होगा, एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी बता सकता है कोई? एंट्रोपी रैंडमनेस, क्या एनवायरमेंट में नेचर में रैंडमनेस, उसको हम क्या कहते हैं? हलचल, चीजों की हलचल, उसको क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? सॉल्यूशन है उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो जो डेल्टा एच वेपराइजेशन है जो सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूशन का भी वही होगा। क्यों? सॉल्यूट तो पार्ट नहीं ले रहा बीच में, नॉन वॉलेटाइल है, तो जो सॉल्यूट का डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन होगा अप्रॉक्स, अप्रॉक्स बिल्कुल इक्वल नहीं कह सकते आप, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन किसका? सॉल्यूट, सॉल्वेंट ले लो, उसका अप्रॉक्स बराबर होगा डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ सॉल्यूट। क्यों? सॉल्वेंट नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। डेल्टा एच एक रिलेशन होता है, आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स 11th में पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। डेल्टा एस इक्वल टू जो होता है वो डेल एच बाय डेल टी होता है भैया। क्या होता है? डेल्टा एस इक्वल टू डेल एच बाय टी, टेम्परेचर। ये क्या होता है? डेल एस चेंज इन एंट्रोपी अपॉन टेम्परेचर। तो अगर इसका डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अप्रोक्स इक्वल है, क्या है? अप्रोक्स इक्वल, तो डेल्टा एच एस ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन डेल एच वेपराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? सॉल्यूशन का बात कर रहा हूँ ना मैं। याद करो जब मैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट बता रहा था, तो सॉल्वेंट के केस में जो बॉइलिंग टेम्परेचर था वो मैंने टी नॉट बी से डिनोट किया था, याद करो लास्ट टॉपिक। और जब मैंने उसमें सॉल्यूट डाल दिया वो सॉल्यूशन बन गया। उस टाइम पर जो बॉइलिंग पॉइंट मैंने बॉइलिंग टेम्परेचर था वो टी बी से लिखा है मैंने, है ना? तो ये सॉल्यूशन है ना, इसमें सॉल्यूट डाला हुआ है, तो इस टाइम पर बॉइलिंग टेम्परेचर कौन सा है? टी बी। वेरी गुड। और जब सॉल्वेंट था सिर्फ, तो उस टाइम पे डेल एस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अपॉन टी नॉट बी, है ना भैया? गुनाह तो नहीं कर दिया मैंने? मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूं, डेल एस एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर के फैक्टर जो हैं वो तो अप्रोक्स इक्वल हैं, टी वी और टी नॉट वी में कौन बड़ा था कौन छोटा था ये बताओ, बताओ। टी वी बड़ा था, टी वी बड़ा था मतलब सॉल्यूशन के एंट्रोपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी एज कंपेयर टू। तो यहां से आप बोल सकते हो कि जो टी वी होता है वो बड़ा होता है ना टी नॉट वी से, है ना? तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू चेंज इन एंट्रोपी इन प्योर सॉल्वेंट। दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो बताओ, नहीं है लिख लो भैया, फिर क्या दिक्कत है अगर नहीं है तो। क्या बात है भाई, बच्चों का रेशो घट रहा है, क्या बात है? कुछ बच्चों को काम है क्या कि समझ में नहीं आ रही केमिस्ट्री? समझ में तो आ रहा है ना जो पढ़ाया जा रहा है?
ऐसा तो नहीं है हवा से निकल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ क्या? अच्छा हैप्पीनेस, समझ में आ रहा है ना? क्या चीज़ों से डरना नहीं होता? ये चीज़ें सबको कठिन लगती हैं भाई, इंसान हम भी हैं, इंसान तुम भी हो। जब हम पहली बार पढ़ रहे थे तो हमको भी डर लग रहा था, पर जॉन सीना को तो सुना होगा है ना, उसका एक डायलॉग है ना, क्या नेवर गिव अप। तो गिव अप नहीं करना होता आपको चीज़ों को, आप टाइम के साथ सब, एक ज़िंदगी में एक रूल है कि जिसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता उसका वो सॉल्यूशन टाइम के पास होता है ना, सुना है? कि समय के साथ सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, तो वही है भाई। ठीक है लिख लिया? चलो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग, हाँ वीडियो तो चालू है ना, अब क्या करें, पढ़ाएं फिर छुट्टी? अरे नहीं नहीं जाओ एक बार पूछ लो यार, मेरे बस की बात नहीं है, जाना मैम को बुला के। हाँ चालू है तो। हेलो मैम, जब चल रही है ना रिकॉर्डिंग, पूछो, बोलो कंटिन्यू रखें क्लास, ये पूछो बस। हाँ बिल्कुल वेरी गुड यार, ये चीज़ तो पहले क्यों नहीं अकल आई, तो कर लो कोई बात नहीं, पढ़ाए। हाँ आवाज़ आ रही है ना? आ रही है, मुझे भी आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ अब हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, है ना? यहाँ पर क्या हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ रहा था ना जब मैं सॉल्यूट पार्टिकल डाल रहा था, पर फ्रीजिंग के केस में क्या होगा, डिप्रेशन होगा, घटेगा जैसे जैसे आप क्या करोगे सॉल्यूट डालोगे, है ना? तो लिखो तीसरा हेडिंग डालो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कहाँ गया भाई, कहाँ गया इरा? मुझे भूलने की बीमारी है। तब भी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, सोच रहे हो जिंदगी में कितना संघर्ष चल रहा है, दिमाग मेरा साथ नहीं देता। चलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो लिखो, इसमें लिखो द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस, फेजेस भाई भैया, फेजेस ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस। चढ़ा के आए हो क्या? ऑफ अ सब्सटेंस आर एन इक्विलिब्रियम, आर एन इक्विलिब्रियम, आर एन इक्विलिब्रियम, लिख लिया? अरे हाँ यार, इट मीन्स बोथ द फॉर्म्स कैन, इट मीन्स बोथ द फॉर्म्स कैन को एग्जिस्ट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड। इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड। आया समझ भैया तुमको? लिख लिया? ठीक है
डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट तो डाल दूं पहले। ठीक है, इसमें क्या देखा गया? वेपर प्रेशर। जब आपने प्योर सॉल्वेंट लिया, भाई मेरी वो भी बहुत बुरी है, क्या कहते हैं, ड्राइंग ड्राइंग है ना, इसमें तो बहुत टुच्ची है, तो मेरे से नहीं बनता। तो सोचो अगर अच्छे से कुछ होता तो मैं तो निकल ही लेता। हाँ, तो जब प्योर सॉल्वेंट था आपका, तो पी नॉट मान लो उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, उस केस में अगर जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो टी नॉट एफ ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ इसको। अब सपोज इसमें कुछ सॉल्यूट डाल दिया मैंने, 1 मोलल कितना भी डाल दिया, तो वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा ना, सॉल्वेंट का सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी के पैरेलल अभी ये कहाँ, यहाँ कहीं टच करेगा, इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, कितना हो गया टी एफ ले लेता हूँ, ये सॉल्यूशन हो गया, इसको इसके वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नाम दे देता हूँ। पी नॉट ज़्यादा होगा पक्का, किसी को दिक्कत तो नहीं है, पहले दिन ही समझाया था थाली वाला एग्जांपल, एक पानी था उससे वेपोरेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जिसमें आपने चीनी या कुछ मिला दिया, है ना। ये टी एफ ले लूँ, लिख लो, इस बना लो इस डायग्राम को पहले। क्या हुआ भैया, कोई बात नहीं, लिखो, डिस्टर्ब मत हो। गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है ना, इतनी जल्दी बढ़नी नहीं थी वैसे। क्या चल रहा है मार्च ना, अब तक तो ठंडी होती थी। लिख लिया, वेरी गुड यार, सबने लिख लिया ना। हाँ, तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ का नाम दे दूँ, दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो हमें क्यों होगी सर। इनिशियली प्योर सॉल्वेंट टी नॉट एफ माइनस सॉल्यूशन टी एफ, ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, सॉल्वेंट होगा उसमें फिर तुम कुछ डालते गए तो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होता गया, तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या लूंगा, सॉल्वेंट माइनस इनिशियली माइनस फाइनल, है ना, ये था। तो ये जो डेल्टा टी एफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा गया मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट, क्या मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन बनने के लिए मुझे एक कॉन्स्टेंट का यूज करना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने कॉन्स्टेंट का यूज़ किया के एफ, उसको नाम दिया, जैसे बॉइलिंग में मैं के बी यूज़ किया, यहाँ पर के एफ यूज़ करूँगा मैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट भाई, समझ में आया हाँ? इसमें समझने का क्या था भैया, नाम क्या तुम्हारा, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो ऐसा देखा जाता है, ऐसा करा जाता है जब कोई चीज आपस में, तुमने 10th क्लास में ओम्स ला नहीं पड़ा, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कोई बात नहीं, तुम हमसे एक स्टेप ज्यादा आगे मत चलो, है ना, तेज मत चलो। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब अगर ये डिफरेंस बढ़ेगा तो ये मोलालिटी भी बढ़ेगी, ये घटेगा तो ये भी घटेगा,
ऐसा कोई पॉइंट होगा ना जिसमें मैं इस m के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये मिल जाए। भैया मेरे दुखी होने से कोई दुखी हो रहा है, मेरे सुखी होने से कोई सुखी हो रहा है, तो मतलब मेरी फीलिंग्स के साथ वो अटैच है, कुछ रिलेशन है मेरा उससे। मम्मी एग्जाम्पल होता है, मेरे खुश होने से वो खुश होती हैं, मेरे दुखी होने से वो दुखी होती हैं, तो एक अटैचमेंट है, रिलेशन है। एक क्या रिलेशन है यहाँ पर, वो रिलेशन हम KF इक्वेट कर देंगे कि अगर इसमें मैं एक KF से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। वो इक्वेशन बनाई है मैंने, रिश्ता बनाया है। दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, क्या दिक्कत है? लिख लिया? अब इस KF के बारे में लिखते हैं। इस KF का नाम होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इस KF को क्या बोलते हैं अपन? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और एक और नाम होता है इसका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक, मोलल डिप्रेशन तो लिख लिया होगा ना, क्रायोस्कोपिक, CRY, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कांस्टेंट को CONST लिखता हूँ भैया। समझ में आया? लिखो, द वैल्यू ऑफ KF, द वैल्यू ऑफ KF डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू ऑफ KF डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। KF किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के नेचर पर। ठीक है, लिख लिया? ओके। अब ये KF की डेफिनेशन क्या है आ जाती है भैया, पता होना चाहिए। लिखो, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन वैन इट्स मोलालिटी, कभी कभी फास्ट हो जाता है, कभी कभी स्लो हो जाता है यार, वैन इट्स मोलालिटी इज इक्वल टू 1 मोलल, 1 m, वैन इट्स मोलालिटी इज इक्वल टू 1 मोलल इज मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्वेंट, इज मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, इज मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्वेंट। लिख लिया भाई? हाँ भाई, हो गया? ये हो गया तुम्हारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ। यार लिखो, इम्पॉर्टेंट लॉ होता है एक, इसमें राउल्ट्स लॉ। पहले लिख रहा हूँ भाई, RAULT, रा और एस लगा देना है एपोस्ट्रॉफी में, राउल्ट्स लॉ। 2 मिनट मुझे रफ कर लेने दो। राउल्स लॉ, लिखो, राउल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। एक सब हेडिंग, राउल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, लिखो इसमें, लिखो। देखो एक चीज बताता हूं, एक चीज सुनो ध्यान से।
कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सॉल्यूशन चैप्टर में, पता होना चाहिए कौन सा लॉ कब एप्लीकेबल होता है। एक होता है राउल्स लॉ, और एक तुमने नाम नहीं सुना होगा, सुना होगा तो सुन लो, डाल्टन्स लॉ। सुना है डाल्टन्स लॉ? डाल्टन कुछ भी बोल लो उसको, डाल्टन बोलता है, मैं उसे डाल्टन बोलता हूँ। जाहिर सी बात है मेरा मन है भाई, बोलूँगा इंडिया में सबको इंडिपेंडेंट है भाई अपने, ठीक है कोई बात नहीं सुनो। डाल्टन्स लॉ गैसेस पे एप्लीकेबल होता है, राउल्स लॉ सॉल्यूशन लिक्विड पे एप्लीकेबल होता है। दिमाग में घुसा? दिमाग में घुसा? ये सॉल्यूशन चैप्टर में वेपर प्रेशर मैंने टर्म डे वन तुमको बताया था। वेपर प्रेशर कब डिफाइन हो रहा था? जब गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम फेज में थे, है ना? तो गैस फेज में डाल्टन्स लॉ अप्लाई होगा, और लिक्विड फेज में राउल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। अकल में घुसा? पक्का? दिक्कत तो नहीं है? अब लिखो इसको, राउल्स लॉ को। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको ऐसे लिख लेना बाद में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को ऐसे, है ना, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको लिख देता हूँ चलो पूरा, वैसे तो मैं बहुत आलसी आदमी हूँ। ऑफ सॉल्वेंट, और इस पे लगा लेना डब्बा, ठीक है? मतलब, और ऐसा होता भी है भाई, तुमको समझाते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये थाली वाली चीज ही है। अब बस इसमें तुमने बढ़िया पुदीना वदीना धनिया वनिया सब डाल दिया, तो तुमको लग नहीं रहा है कि ये वही है, पर ये है भाई। पहले दिन थाली ली थी मैंने दो, एक में सॉल्वेंट था तो मैंने बोला उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, और एक में मैंने थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिया, उसका वेपर प्रेशर मैंने उसे तो मैं कम करवा दिया। क्यों कम करवाया था? क्योंकि कुछ सरफेस एरिया ऊपर का सॉल्यूट ने घेर लिया, और सॉल्वेंट तो पूरा सॉल्वेंट है, पूरे सरफेस एरिया से एवेपोरेशन होगा, यहाँ पर कुछ सरफेस एरिया कम हो गया तो रेट कम हो गया। ये वही तो बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा एवेपोरेशन होगा, यही तो बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या? ज्यादा पार्ट होना, है ना? तो ये वही चीज है ना, नई चीज तो नहीं है। बस तो सपोज मैं लेट कर लेता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए और बी ले लेता हूं सॉल्यूशन में, ए जो है सॉल्वेंट है और बी कुछ सॉल्यूट होगा उसमें, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस नाम दे दिया मैंने उसको, ठीक है, और सॉल्वेंट का पी नॉट, ऐसे ही अभी तक कर रहा था। बॉइलिंग पॉइंट में भी सॉल्वेंट का टेम्परेचर टी नॉट लिया था, सॉल्यूशन का टी भी ले लिया था, फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट ले लिया था, टी नॉट एफ नॉट ले रहा था सब में प्योर में, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मैंने ए ले लिया, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, पक्का वही हो गया भैया, तुम वही रिश्ता बनेगा, इसको इससे फर्क पड़ता है, होगी कुछ फीलिंग, फर्क पड़ता है। तो कांस्टेंट ले लूं, पी एस इक्वल टू के एक्स से कुछ होगा, पता नहीं कौन सा रिश्ता होगा इनमें, है ना? तो देखो, जब सोचो रिश्ता निकालते हैं, जब एक्स ए वन होगा, एक्स ए वन होगा मतलब, एक्स ए वन होगा मतलब बताओ क्या, मोल फ्रैक्शन किसका, एक्स ए क्या है, सॉल्वेंट ना, जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन वन होगा मतलब पूरा का पूरा सॉल्वेंट होगा, उसमें सॉल्यूट नहीं होगा, वही तो मोल फ्रैक्शन वन हो गया ना, पक्का। तो जब पूरा पूरा सॉल्यूशन मतलब इफ एक्स इक्वल टू, इसको रफ कर दूं मैं फिर ऊपर तुमको समझाता हूँ, यार ये बहुत मेहनत लगती है इसमें, इतनी मेहनत तो मैंने,
जिंदगी में नहीं करी यार। हाँ तो जब एक्स ए वन है, इफ एक्स ए इक्वल टू वन, पुट कर दूं इसमें तो पी एस इक्वल टू के हो जाएगा उस टाइम पे। अब तुम सोचो थोड़ा सा, एक्स ए इक्वल टू वन है मतलब पूरा का पूरा सॉल्वेंट है, तभी तो मोल फ्रैक्शन वन है, तो वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट ही तो है, हैं? और वो मैंने क्या माना, पी नॉट, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना माना, पी नॉट मान रहा हूं ना, तब से नॉट लगा रहा हूं, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, पी नॉट, समझ में आया? तो इसको लिख लो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये होती है मेन इक्वेशन। लिखो इसको, क्लियर है सबको? तुमको क्या नाम है तुम्हारा बताओ, क्लियर है नहीं है पक्का? समझो, बड़ा स्लो तुम्हारा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेसर पे चलते हो तुम, पेंटियम वेंटियम तो नहीं है दिमाग तुम्हारा? यस, सेवन का जमाना है, अब तो नाइन भी आ गया शायद है। अरे इनका तो प्रोसेसर ही स्लो है, स्पीड तो बहुत दूर की चीज़ है। कोई बात नहीं, देखो तुम लिख लिया, ये बुक्स हमारे टाइम पे भी बहुत फेमस थी, मैं जब प्रिपरेशन करता था तो ये बुक मेरे पास 3 साल रही है, इसका यूज़ मैंने लास्ट टाइम पे कर लिया था फॉर्मूले याद करने के लिए। ठीक है, हो गया, काफ़ी अच्छे तरीके से फॉर्मूले हैं यार, इसमें काम आ जाते हैं, लिख लिया। चलो अब आगे, और मैं तुमको रिलेशन समझाता हूँ। यहाँ पर दो टर्म होती हैं यार, एक तो होती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एक होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पिछली क्लास में मैंने तुमको एक चीज समझाई थी, अगर मैंने बोला कि मेरे रिस्पेक्ट में ये चीज़ इतनी है, तो मतलब मैंने अपने रिस्पेक्ट में बनाने के लिए उससे उसके साथ क्या किया होगा। अब मैंने मेरे रिस्पेक्ट में बोला, सपोज तुम्हारी हाइट 5 फिट थी, मेरी 6, तो मैंने बोला इसकी हाइट मेरे रिस्पेक्ट में कितनी है, 5/6, अपनी हाइट को मैंने डिवाइड किया। तो दो टर्म यहाँ पर क्या होती हैं, एक तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एक होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या, जब सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट था उस टाइम पर वेपर प्रेशर पी नॉट था, और जब उसमें सॉल्यूट डल गया तो वो सॉल्यूशन बन गया, उसको मैंने नाम दिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। रिलेशन क्या था, ये बड़ा होता है, तो पहले सॉल्वेंट था, ज्यादा था वेपर प्रेशर, सॉल्यूट डाल दिया तो कम हो गया, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम कितना हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट माइनस पी एस, इतना ही तो कम हो गया क्यों भाई। तो ये एक टर्म होती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। एक होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग कब, किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल के रिस्पेक्ट में, क्या हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, उसको मैं बता दूंगा, इसको लिख लो पहले, ये निकलवा दूंगा, लिख लो इसको, ये हो गया। मेन इक्वेशन क्या निकाली थी तुमने राउल्ट्स लॉ से, पी एस इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यही तो थी। मान लो बाइनरी सॉल्यूशन है, ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है, मान सकते हो दो चीज, बाइनरी सॉल्यूट मतलब दो चीजों का इस्तेमाल, बाइनरी, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। ए क्या है सॉल्वेंट और बी क्या है सॉल्यूट, मान सकते हो, मान लेना, लिख लेना, लिखना हो तो
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है? 1 होता है। मिक्स क्या कर रहा हूं मैं, सॉल्यूट ना, सॉल्वेंट तो जितना आता छेड़छाड़ करी नहीं मैंने। तो यहां से एक्स ए की जगह इस इक्वेशन में क्या पुट कर सकते हो? 1 माइनस एक्स बी, इसको कहां, ये रहा। तो इस इक्वेशन में पी एस को मैं इक्वल टू पी नॉट और एक्स ए की जगह पुट कर दूं 1 माइनस एक्स बी। सॉल्यूट है ना ये एक्स बी, दिक्कत तो नहीं है किसी को? सॉल्व करो। ऐसे ही बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है। इसको इस साइड लाता हूं और इसको उधर ले जाता हूं। पी नॉट एक्स बी, अबे कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है, तुम भी तो नहीं, तुम तो खैर हो ही गलती। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था। पी नॉट माइनस पी एस क्या था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया? यही तो होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऐसा लिख लेना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोग तीन टाइप के होते हैं पता है, गलती, कॉमन जिनकी कोई कीमत नहीं होती, और तीसरे होते हैं अवतार। अभी आपके ऊपर होता है आपको किस कैटेगरी में आना है, डिपेंड करता है। मेरे टीचर ने समझाई थी मुझे ये बात, लव, कि तुम किस में आना चाहते हो। मैंने बोला सर मैं तो अवतारी पुरुषों में आना चाहता हूँ। हो गया ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कि ये जो लोअर हुआ वेपर प्रेशर कम हुआ, इसको मैं इनिशियल से कंपेयर कर दूं। इनिशियल से कंपेयर मत कर दूं मतलब इस पी नॉट को नीचे ले जाऊं, कहां ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, जगह ढूंढ रहा हूं, कर दूं। तो क्या हो गया, एक्स बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लोअर अब इनिशियल के रेशियो में। ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव। समझ में आ रही है टर्म्स? बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज को, ये इक्वेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका काफी यूज होता है। डब्बे लगा लेना, स्टार लगा लेना इस चैप्टर के। जब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती थी तो हम उसको स्टार से दिखाते थे, जैसे होता है ना होटल्स में 3 स्टार, 4 स्टार, 5, 4 स्टार नहीं 5 स्टार, 2 स्टार। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो एक आध बार यूज होते हैं पर उनका इम्पॉर्टेंस उनकी बहुत होती है, तो उस पर 5 स्टार बना लेते थे। ये इम्पॉर्टेंट थी, इस पर 3 स्टार बना लिया, रेटिंग दे देता था मैं चीज़ों को। तुम भी दे दिया करो देना हो तो। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इनसे फॉर्मूले बनेंगे क्या? इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बन जाता है जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिलती है। देखो क्या होता है इस केस में, क्या फर्क, क्या टेंशन होती है कि सॉल्यूट अगर आपने बहुत कम डाला है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो अगर आपको एग्जैक्ट निकालना हो, कुछ कुछ भी निकालना हो, सपोज पी एस पी नॉट गिवन हो और आपको जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट का बारे में कुछ पता हो, गिवन करना हो, तो जो नीचे की कैलकुलेशन है, यहाँ क्या होगा, एन बी
अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना, यही होगा ना। और साथ में आई का रेशियो, आई आई का फैक्टर भी तो आएगा, चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो भूल गए क्या? यही तो होता है, क्योंकि मोलर मास के कम और घटने बढ़ने के कारण जो इस सॉल्यूट के साथ जो छेड़छाड़ होती है उसको आई बराबर करता है, तो एन सॉल्यूट के मोल्स के साथ आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात बराबर हो जाती है। तो यही एक्स भी हो गया, है ना। जब तुम कैलकुलेशन करोगे यार, तो क्या होगा ना कि ये जो टर्म है ये मोटा मोटा इसको नेगलेक्ट करने की सोचोगे, पर तुमको एग्जैक्ट निकालना है तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इस कारण क्या इस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो जाएगी, पॉइंट में कैलकुलेशन आ जाएगी, 1.00 करके कैलकुलेशन आ जाएगी, तो थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक रिलेशन था ना पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स से, अबे ये पी नॉट है, तुम लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिलाया, ये पी नॉट है। तो यहाँ पर मैं पी नॉट की जगह पुट कर देता हूँ पी एस अपॉन एक्स से, दिक्कत तो नहीं है, पुट कर दूँ पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट की जगह क्या पुट कर दूँ पी एस अपॉन एक्स, है ना, पी एस अपॉन में एक्स से जाएगा, तो ऊपर ले लूँ एक्स से, अपॉन में होगा ना एक्स से, ऊपर चला जाएगा। पर यार मैथमेटिशियन है तो मतलब मैं तो, ये बराबर एक्स भी तो है, है ना, इस एक्स से को यहाँ ले आऊँ, क्या हो गया एक्स बी अपॉन एक्स से, तो एक्स बी अपॉन एक्स से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या किया मैं तुमको बताऊंगा, तुमको समझ में आएगा, चिंता मत करो, कुछ बड़ी चीज नहीं कर रहा हूं मैं। ये क्या होगा आई एन बी अपॉन एन एन ए प्लस आई एन बी, फॉर्मूले लिख देता हूँ यार, छोड़ो जिंदगी झंडा है मेरी, आई एन बी अपॉन एन ए प्लस आई एन बी, और ये क्या है एन ए अपॉन यही एन ए प्लस आई एन बी एक्स ए, एन ए अपॉन एन ए प्लस आई एन बी, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचा आई एन बी अपॉन एन ए, डायरेक्ट आई एन बी अपॉन एन ए। अब तुम इस कैलकुलेशन को आसान बना, ओ ए, अब ये तुम्हारा ना फॉर्मूला आसान बन गया है, क्या बन गया, इसको मिटा दूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ थी फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बनाते बनाते माइक चला जाए, क्या बन गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये किसके बराबर है आई एन बी अपॉन, अब तुम्हें वो ए प्लस बी करके और जो छोटे वोटे 1.00 वाले कैलकुलेशन बन रही थी अब वो नहीं होगी, सीधे किसी केक के मोल डाल देना, ये दिया हुआ होगा एन बी सीधे निकल आएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ये फॉर्मूला आसान हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, कैलकुलेशन में इस फॉर्मूले का यूज़ करना। क्वेश्चन तुमको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर ही दिया होगा, क्वेश्चन तुमको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर ही दिया होगा, टर्म पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होती है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। तुमसे पूछा गया सपोज कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताओ, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स भी पूछा है, तो अगर उसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा काफी, सॉल्यूट बहुत कम होगा, तो तुमको निकालने में दिक्कत होगी नहीं होगी, तो तुम इस फॉर्मूले से क्या करना, सीधे पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस करना, एन बी एन बी एन ए कुछ निकालना हो किसी एक को पुट करना, दूसरा अपने आप बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले का काफी यूज आएगा, दिमाग में घुस रहा है मोटे मोटे में कि भाई वेदांश समझ में आ रहा है, आना तो चाहिए। कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी कॉन्सेप्ट वाइज वो जो रफ करा है ये वाला, है ना, याद रखना। क्या नाम है भैया आपका, वाइट शर्ट, समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला, बड़ी चीज तो नहीं की हमने,
ऐसा तो नहीं हुआ जादू हो गया? लिख लिया सबने? लिख लो भैया। जिंदगी झंडा है यार, पता नहीं काहे का घमंड है आदमी को, समझ में नहीं आता। गर्मी, कोरोना, उसके बाद भी यार लोग। हो गया? ओ, बिजली आ गई। चलो, हाँ अब एक चीज और बताता हूँ। सपोज करो, ये फॉर्मूला मैंने क्यों अप्लाई किया, ताकि आपकी कैलकुलेशन कठिन ना बने, है ना, इसलिए मैंने तुमको अप्लाई किया ना। सपोज करो कि सॉल्यूट इतना कम हो कि तुम उसको नेगलेक्ट कर सको, किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो उस केस में मुझे फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इस एक्स बी में एन बी को नेगलेक्ट कर दूं एन ए के कंपेयर में, तो पहले तो इसको रफ कर दूं मैं। तो लिखो, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट बहुत कम हो, बहुत कम हो, किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। उस पे भी तुम वेरी लगा लो, उसमें भी तुम क्या लगा लो? वेरी लगा लो। तो लिखो, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, सब रफ करो, सब कुछ नहीं है काम का सब। बट हम लोग बड़े वो होते हैं, अपने अनुसार फायदे के लिए चीज़ों को ऐसे चेंज करते जाते हैं। कभी कभी कि नहीं करेंगे नेगलेक्ट, जब लगेगा अब ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो वो भी कर देंगे। फॉर फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट, यही था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मेन। ये किसके बराबर था? एक्स बी के बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, आई एन बी अपॉन आई एन बी प्लस एन ए। गुना कर दिया गया, ऐसे लिख दिया गया, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिखूंगा मैं तो भाई। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल्स जो है सॉल्यूट के वो बहुत कम है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये टर्म एन ए प्लस जो आई एन बी है, इसको मैं एन ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अप्रोक्स अप्रोक्स मोटा मोटा किसके बराबर हो जाएगा? आई एन बी अपॉन एन ए। अब इसको नेगलेक्ट मत कर देना वरना जिंदगी झंड हो जाएगी। होगा कुछ नहीं, क्वेश्चन गलत होगा और क्या है। आ रहा है? चीजें क्लियर है भाई? ब्लैक टी शर्ट, आज पूरे ब्लैक ही हो, बाल से लेकर मास्क से लेकर टी शर्ट सब। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भाई। चीजें क्लियर है ना? क्वेश्चन करोगे? एक देख लूँ यार, रुको। ऐसा नहीं है कि तुमको ऐसा लगने लगे कि एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, चलो दो तीन फॉर्मूले का यूज है बस। लिखो क्वेश्चन, लिखो। अच्छा नहीं, रुको मत लिखो, रुको यार, रुको रुको, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पढ़ा क्या था? तुम बोलो, तुम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था? वर्ड्स पर जाओ ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, घटना वेपर प्रेशर का। इनिशियली सॉल्वेंट का ज्यादा होता है पी नॉट, और सॉल्यूशन सॉल्यूट डाल दिया, वेपर प्रेशर कम हुआ, पी एस तक चला गया, तो पी नॉट माइनस पी एस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बड़ी चीज पूछी क्या मैंने? बता तो तुम पानी रहे, बाल तुम्हारे इतने अच्छे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है एंटीना बढ़िया कैच कर रहे हो तुम हमारी बातें। कोई बात नहीं यार, होता है, सबका स्टाइल होता है, हमारा भी है, ऐसी बात नहीं है, बाल ज्यादा बड़े हैं। हाँ, और टाइम नहीं है कटवाने का। हाँ ये भी है। हाँ
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस, और रिलेटिव लोअरिंग जो लोअर हुआ इनिशियल के कंपेयर में उसका रिलेटिव निकाल दो, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। और वो फॉर्मूला मैंने पढ़ा था तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर भी आ गया, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, ये फॉर्मूले पढ़े ना तुमने। और एक तो ये था ही था भैया, राउल्स लॉ बता रहा था भैया, राउल भैया बता रहे थे। अब हम क्या देखना चाहते हैं, ये राउल्स लॉ किस पे एप्लीकेबल था? तुम्हारे को ये चीज़ बहुत जल्दी आई समझ में। अब अपन आते हैं गैस फेज में, जहाँ क्या एप्लीकेबल होता है, डाल्टन भैया। हाँ भैया, तो क्या होगा गैस फेज में भी तो ए और बी होंगे, जैसे लिक्विड में थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसे ही गैस फेज में भी ए और बी होंगे ना। मैं जैसे मैंने लिक्विड फेज में एक्स ए और एक्स बी माना था ना इनका मोल फ्रैक्शन, ऐसा ही गैस फेज में मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो मेरा सॉल्वेंट ए है उसका मोल फ्रैक्शन वाई ए है, और जो मेरा सॉल्यूट है बी गैस फेज में वो वाई बी है। दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ भैया, क्या हो गया तुमको? अभी गैस फेज की बात चल रही है। मैं मान लेता हूँ जो ए और बी का जो सॉल्यूशन है पूरा, उसका जो गैस है ना, तो पूरे मिक्सचर का एक प्रेशर होगा कुछ कुछ, पूरे मिक्सचर का ए का अलग होगा बी का अलग होगा गैस फेज में, पर दोनों मिल गए तो कुछ वेपर कुछ प्रेशर कम ज़्यादा हुआ होगा। तो मैं जो मिक्सचर का प्रेशर मान रहा हूँ वो पी मान रहा हूँ, ठीक है? तो पी ए इन गैस फेज कितना होगा, मिक्सचर का मैंने पी लिया ना, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक प्रेशर ऑफ ए की बात कर रहा हूँ गैस फेज में, किसकी प्रेशर ऑफ ए की गैस फेज में, तो वो क्या होगा, मिक्सचर का प्रेशर पी इनटू इसका मोल फ्रैक्शन। समझ में आया ना, यही तो था डाल्टन्स लॉ, यही तो होता है, मिक्सचर का प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन उस गैस का, पर्टिकुलर गैस का प्रेशर होता है। समझ में आया? ऐसे पी भी कितना होगा गैस फेज में, मिक्सचर का प्रेशर पी इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, ये होगा, ये गैस फेज है। राउल्स लॉ में पी ए कितना होता था, राउल्स लॉ लिक्विड फेज में राउल्स लॉ में पी ए कितना होता था, अगर एक्स ए और एक्स बी इधर मोल फ्रैक्शन है तो ए और बी के, क्या होता था पी ए कितना होता था, पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स ए होता था होता था। तो सपोज अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ तो प्योर सॉल्वेंट इंटू एक्स ए है ना, और पी भी ये होता था, दो मिनट लिखवाना पड़ेगा शायद, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इक्विलिब्रियम में है तो इसका प्रेशर, इसका प्रेशर इक्वेट कराओ, इसका प्रेशर इक्वेट कराओ, ठीक है? करना कुछ मत अभी रुको। गैस फेज का मुझे नहीं पता, पर लिक्विड फेज का पता होता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना है, वन होता है, ये तो पता है ना। इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को इक्वेट करा दूं तो पी इंटू वाई ए इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए है ना। इस इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कराया ना मैंने, गुनाह तो नहीं कर दिया, यहां से एक्स ए की वैल्यू निकाल लो, क्या निकाल लो, एक्स ए की वैल्यू क्या आएगी, पी इंटू वाई ए पी नॉट, पी नॉट क्या है, पी नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट लिक्विड फेज में ना, पी क्या है, ध्यान रखना दिमाग में चलना चाहिए चीजें भाई, चीजें यहां पर दिमाग से हटी मतलब समझ लो तुम भूल गए सब, सावधानी हटी, समझ में आ रही है चीजें, खाओ मां कसम सब पता चल रहा है, मूवी के साथ साथ चल रहे हो ना, अच्छा थोड़ा थोड़ा आ रहा है। वाई क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए इन गैस फेज,
सॉल्यूट इन गैस फिस्क मोल फ्रैक्शन, एक्स ए क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, ये भी लिक्विड फेज, ये गैस चल रही है ये लिक्विड चल रही है साथ में, समझ में आ रहा है अबे गधे। तो क्या है इसका वेपर प्रेशर ऑफ ए गैस फेज में, ये मिक्सचर का है पी गैस फेज में, पर पक्का दिक्कत है क्या, खाओ माँ कसम नहीं है, है दिक्कत है कहाँ समझ में, चार पांच चीजें एक साथ चल रही हैं, वो तुम चीज को समझो, ये गैस की बात चल रही है लिक्विड की बात चल रही है। अब यार दो कंपोनेंट है ना, ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट ए और बी, ए और बी, तो भाई गैस दोनों गैस हैं अभी गैस फेज में, तो ये मिक्सचर बना ए और बी का, तो मिक्सचर का जो प्रेशर है वो पी है, अकेले पूछूं मैं ए का क्या प्रेशर है तो वो पी ए है, अकेले बी का पूछूं क्या प्रेशर है वो पी बी है। अब डेल्टन्स लॉ क्या होता है, N2O2 मिक्सचर है सब, पहली बात तो रिएक्ट कर लेगा, डेल्टन्स लॉ उस पर भी अप्लीकेबल होता है जो आपस में रिएक्टिंग गैसेस ना हो, पता है कॉन्सेप्ट ये अरे दो नोबल गैस उठा लो ना, क्या दिक्कत है, तो अगर वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं तो वो मिक्सचर तो बन गया। तो अगर मिक्सचर का प्रेशर पी मान लो, पूरे मिक्सचर का प्रेशर, तुमको किसी एक कंपोनेंट का किसी एक गैस का प्रेशर पूछा हो, तो मिक्सचर का प्रेशर इनटू वो गैस का कितना मोल्स फ्रैक्शन है वो फॉर्मूला होता है। तो ए एक सॉल्वेंट होगा, उसका एक गैस है, उसका जो प्रेशर होगा वो मिक्सचर का प्रेशर इनटू उनका उसका मोल फ्रैक्शन, ऐसे ही बी के साथ है, समझ में आया। लिक्विड का तो तुमको पता है भैया, लिक्विड फेज में ए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि इनिशियल वेपर प्रेशर ये होता है सॉल्वेंट का, इनटू इसका मोल फ्रैक्शन बी का पी नॉट इनटू एक्स बी, समझ में आया, आ गया, बहुत बोला यार आज आया। अब यार गैस वेपर प्रेशर केस में क्या होता है, गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, तो जो लिक्विड फेज में ए का प्रेशर होगा उसको इक्वेट करा दो गैस फेज से, बी के साथ भी डिट्टो वही कराएंगे। अब मैं जब मैंने इन दोनों को इक्वेट कराया तो यहाँ से मैंने एक्स ए की वैल्यू निकाल ली, क्यों निकाल ली उसकी वजह बता दूंगा, और इन दोनों को भी इक्वेट करा दो, यहाँ से एक्स भी निकाल लो, करा दो पी इंटू वाई भी। भैया वेदांश चल रहा तो कहानी तो चल रही है ना दिमाग में, अरे वाह, यहाँ से क्या निकाल लो, एक्स भी निकाल लो, क्या निकला एक्स भी पी इंटू वाई भी, पी क्या था, तुम नहीं रुको तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, हाँ तुम्हारा ही नाम, तुम दीदी इशिता, अच्छा हाँ बताओ पी क्या था, हाँ मिक्स गैस फेज में मिक्सचर का प्रेशर, यार नहीं समझ में आया, गैस फेज में मिक्सचर का प्रेशर आया नहीं आया, आया हाँ, तो इक्वेट कराया था यहां से एक्स भी निकाल लो, कितना आएगा पी इंटू वाई भी अपॉन पी नॉट। अबे तुमने तो मेरी जिंदगी झंड कर दी, आया लिक्विड फेज में तुमको पता होता है कि एक्स ए प्लस एक्स वी वन के बराबर है, पता होता है, इस एक्स ए और एक्स वी की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, कर दूं भैया, इतनी बार रामायण हो गई खत्म होते होते, भैया मैंने पूछा सीता किसकी बेटी थी, तुमने बोल दिया रावण, राम जी की बोल दिया होगा, कोई बात नहीं यार मैं इसको मत करो, मैं बहुत बहुत परेशान चल रहा हूँ अपने ज़िंदगी से। हाँ तो एक्स ए प्लस एक्स भी वन होता है, तो इसका प्लस इसका सम वन होगा, तो पी इंटू वाई ए अपॉन पी नॉट प्लस पी इंटू वाई बी अपॉन पी नॉट इक्वल टू वन। मैंने एक्स ए प्लस एक्स भी इक्वल टू वन क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपको लिक्विड दीदी कर लें, आपको लिक्विड ये सॉल्यूशन चैप्टर है ना, तो लिक्विड फेज के बारे में आपको जो है ज़्यादा दिया जाएगा, और गैस फेज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि गैस फेज में कॉम्पोजिशन बताओ ए का, तो मैं रिलेशन बना रहा हूँ ठीक है पी कॉमन लेकर नीचे ले जाऊँ, दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई मारेगा तो नहीं, क्या हो गया वाई ए अपॉन पी नॉट
प्लस वाई वी अपॉन पी नॉट इक्वल टू वन अपॉन पी। ये होता है फॉर्मूला भाई। ये किसका किसका फॉर्मूला है पहले लिख लो, फिर बात करेंगे। ये मोल फ्रैक्शन है गैस फेजेस में वाई ए और वाई बी, उसका उसकी इक्वेशन है गैस फेज का मिक्सचर का प्रेशर, और ये तो लिक्विड फेज में सॉल्वेंट का, ये पता होता है अपने को। ठीक है दीदी, वाई ए, अब गैस फेज में भी तो जैसे लिक्विड फेज में एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन होता था, ऐसे ही गैस फेज में वाई ए प्लस वाई बी कितना होगा, वन होगा। वाई ए प्लस वाई बी गैस फेज में भी तो मोल फ्रैक्शन वन होगा, होगा नहीं होगा। तो ये एक दूसरे की रिलेटेड टर्म होती हैं, कुछ एक पता हो तो दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं होती। सपोज सॉल्वेंट के बारे में नहीं, सॉल्यूट के बारे में दिया हो तो इसको 1 माइनस वाई लिख लेना, या इसको 1 माइनस वाई बी लिख लेना। लिख सकते हो, दिक्कत तो नहीं है। मैं अभी इसको लिख देता हूँ 1 माइनस वाई बी। तो एक कांस्टेंट, एक मतलब एक वेरिएबल हो गया वाई बी कुछ भी। ये दो वेरिएबल नहीं है, ये दोनों आपस में, इनकी एक खुद इक्वेशन होती है कि वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू वन होता है। तो ये एक ही वेरिएबल है, इसको दो ट्रीट मत करना। तो एक इक्वेशन ये आती है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन गैस फेज की। ठीक है भैया, औंधे हो जाओ तुम तो, तुम्हारा बस नहीं चल रहा, तुमको रजाई रजाई तो नहीं, बिस्तर दे दें, गद्दे वद्दे से तुम यहीं पर ही लौट जाओ। क्या, हाँ मेरा जो मोटो था, मोटिव वो था गैस फेज के कंपोजिशन के बारे में जानने के लिए कि भैया गैसेस ए और बी जो हैं वो गैस फेज में किस कंपोजिशन में है। सपोज तुमको लिक्विड के बारे में दे दिया और गैस फेज का तुमको मिक्सचर का प्रेशर दे दिया। अब तुमसे पूछा गया मोल फ्रैक्शन बताओ ए और बी का कितना होगा, कैसे निकालोगे हवा में कैसे निकालोगे। तब तुम इस फॉर्मूले का अप्लाई करोगे इस वाई बी को। सपोज तुमको वाई बी निकालना है, सॉल्यूट के बारे में निकालना है कंपोजिशन गैस फेज में, तो वाई ए को वन वन माइनस वाई बी पुट कर लोगे, ये भी वाई बी हो गया, यहाँ पर भी वाई बी का आ गया। पी नॉट के बारे में तुमको पता होगा, सॉल्यूशन फेज के बारे में देंगे, मिक्सर का प्रेशर देंगे। कर सकती हो, गुना तो दिक्कत तो नहीं है क्या? क्या पूछा था? हाँ इनको इक्वेट क्यों किया? हाँ, जब मैंने डे वन ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब तुमको क्या बोला था कि ये वेपर प्रेशर, ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस ये क्या क्या पढ़ने वाले हैं, गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, ऊपर गैस नीचे लिक्विड, उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन को स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो प्रेशर ड्यू टू ए इन लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू ए इन गैस, भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के लिए प्रेशर बराबर होना चाहिए ना, तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम फेज है। समझ में आ रही हैं चीज़ें, इसलिए इक्वेट करी हैं मैंने, गुनाह तो नहीं कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ देवेंद्र, ठीक है, अच्छी बात है। समझ में आया तुमको? दीदी लिख रही हो कि देख क्या कर रही हो? लिखो, आया? अच्छी बात है, आया है तो भाई। हाँ भैया, लव गौतम एल जी, इट्स नॉट अ नेम, इट्स अ ब्रांड। हाँ कहाँ? हाँ ये है ना, इसके पीछे बड़ी कहानी है एक। अब सुनो, तुमको बताते हैं, जब मैं छोटा था, ये बात है थर्ड क्लास की, सेकंड क्लास थर्ड क्लास की बात है, पहले मेरा नाम एल ए वी था। जो लव कुछ वाला लव होता है वो एल ए वी या एल यू वी से लिखा जाता है, तो वो वाला लव था मैं, बढ़िया। मेरी एक टीचर थी, वो बहुत टीचर हैं तो नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने मेरे नाम को एल ओ वी कर दिया,
और कहती हैं कि नहीं ये इसकी स्पेलिंग LOV होती है। मैंने बोला नहीं मैम मेरी A लिखी जाती है। अरे तुमको ज़्यादा पता है मुझे ज़्यादा पता है, मैं टीचर हूँ। उन्होंने मेरी चलने दी, उन्होंने मेरा नाम LOV कर दिया। अब ये ना तो वो वाला लव रहा ना ये वो वाला लव रहा, ये कुछ नहीं रहा। तो खैर कोई बात नहीं। उन्होंने मेरा नाम ही मतलब स्पेलिंग ही चेंज कर दिया खुद की समझदारी में, कि नहीं नहीं तुमको ज़्यादा पता है हमको ज़्यादा पता है। मन करता है कि उनका बहुत बड़ा हाथ था मुझे पढ़ाने में, मैं पहले बहुत मस्तीखोर आदमी, मतलब क्या बोले यार। आज भी चर्चे मेरे स्कूल में, मेरे आज भी चर्चे चलते हैं। मेरे कोई अच्छा नहीं समझता था, IIT निकल गया तो अब टीचर्स नाम लेते हैं मेरा, वरना PT सर ने कितने, वो जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते ना, उन्होंने कितनी क्लासों में बोला था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद आदमी हूँ। मेरा रोज का था, प्रिंसिपल चैम्बर जाता रहता था। खैर कोई बात नहीं। मैं बहुत आलसी आदमी था, मतलब क्या बोलूँ यार, काफी नामी बंदा हूँ मैं अपने स्कूल का। मेरे मतलब टीचर ऐसा बोलते हैं कि मेरे बाद में मेरे जैसा शायद अभी तक कोई नहीं आया होगा। नाम कमाया है कैसा भी कमाओ, ओसामा बिन लादेन। हाँ मैं था नवोदय का नाम सुना है, वहाँ पे 10th तक था मैं उस स्कूल में, वही वाला नवोदय रातीबड़ा में था मैं। वहाँ पे यार क्या बोले, हम लोग 10th क्लास से ना 4-5 टॉप बच्चे निकल रहे थे, तो प्रिंसिपल्स वगैरह जो प्रिंसिपल जो थे और टीचर्स जो थे वो बाकी सबको रोक रहे थे, मत जाओ भाई पढ़ो। जब मैं जा रहा था तो मेरे को बेस्ट ऑफ लक बोला था कि जाओ निकलो यहाँ से, बोला ठीक है। हाँ भाई भगाया था। चलो क्वेश्चन लिखो। नाम इतना कमाया था ना मेरे जाने के बाद, बच्चे टीचर्स का काम थोड़ा आसान हो गया था, मेरे हाउस मास्टर का तो खासकर। चलो क्वेश्चन लिखो भाई। वन ग्राम ऑफ मोनो बेसिक एसिड, 1 ग्राम ऑफ मोनो बेसिक एसिड। क्वेश्चन को एक बार में पढ़ना सीखना है ना भैया, और अब तक जो पढ़ाया है वही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, कोई नई चीज नहीं होगी इसमें पक्का। 1 ग्राम ऑफ मोनो बेसिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बाय, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.28 डिग्री सेल्सियस, 0.28 डिग्री सेल्सियस। इफ 0.2 ग्राम ऑफ सेम एसिड, इफ 0.2 ग्राम ऑफ सेम एसिड रिक्वायर्स 25 ml ऑफ, रिक्वायर्स 25 ml ऑफ। ये सब अच्छे क्वेश्चन है भैया, इनको बुरे नाम मत देना। 25 ml ऑफ n बाय 10 एल्कली, n बाय 10 एल्कली, n बाय 10 एल्कली फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कैलकुलेट पीएच ऑफ, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 मोलर, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ डैट एसिड। इस क्वेश्चन में तुम्हारे 4-5-6 टॉपिक क्वेश्चंस, मतलब चैप्टर के टॉपिक्स तुमको क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे काफी। 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ डैट एसिड एंड के ऑफ डैट एसिड, के एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए ऐसे लिखते हैं, के ए ऑफ डैट एसिड गिवन, गिवन गिवन क्या है, KF ऑफ H2O इक्वल टू 1.86, KF ऑफ H2O इक्वल टू 1.86, KF ऑफ H2O इक्वल टू 1.86। अभी हम जब आए थे यहाँ पर भोपाल, तब मेरे को एक बच्चा मिला था,
मेरे स्कूल का था, वो मेरे स्कूल का नहीं था, वो नवोदय, दूसरे नवोदय का था, ये रायसेन का। उसने बोला भैया आपका नाम क्या है, मैंने बोला भैया लव गौतम। कहते भैया मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं डर गया। मैं क्यों डर गया, मैंने बोला आज तो पुराने कर्म सब में का देगा मेरे। कहता नहीं भैया मैंने आपका नाम तारीफों में सुना। वो मैंने बोला भाई, मैंने उसे 4 बार सब सारे बच्चों के सामने पूछा, बोला भाई पक्का तारीफ में सुना है ना। कहता हाँ भैया आपका बड़ा नाम है। मैंने बोला अबे आईडी निकालने के बाद लोगों के कर्म चेंज हो जाते हैं, मतलब आपने कितना भी बेकार नाम कमाया हो सब टीचर तारीफ करते हैं। मैंने सुना है 2-3 लोगों से सुना है। मतलब वाह, मुझे लगता नहीं था मेरे अच्छे चर्चे चलेंगे कभी, चलते हैं। पर मुझे बड़ी हंसी आई थी, 4-5 दिन में हंसा था ये सोच सोच के। करो क्वेश्चन करो। ये चैप्टर में वो इस क्वेश्चन में आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज हो रहा है, उससे पहले एक और चैप्टर का यूज हो रहा है, मोल्स। मोल्स में क्या करा रहे हैं, टाइट्रेशन। करो कैसे करोगे, सोचो क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखो। एटलीस्ट भाई पढ़ तो लो, तुमसे नहीं बन रहा कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पढ़ तो लो। पता तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और तुम तो बातें फेंकना शुरू हो गए। शुरू करें, लगता नहीं है मुझे। कर रही हो क्या, करें बताऊं सॉल्यूशन। चलो टाइम भी नहीं है यार, क्योंकि चलो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, पढ़ो। 1 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड लिया तुमने, 1 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूट 1 ग्राम। ये फ्रीजिंग पॉइंट को 0.28 डिग्री सेल्सियस से कम कर देता है। डेल्टा टीएफ कितना है, 0.28, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कम कर रहा है ना डिप्रेशन, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के बी एम वाला फॉर्मूला लगेगा। एक डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ सॉरी इन टू एम, ये फॉर्मूला लगेगा जिसमें ये कितना है 0.28, आई नहीं पता भाई अभी कितना है, के एफ 1.86 वाटर का दिया हुआ है। हाँ दीदी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। मैंने क्या बोला था, जहां 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 मोल्स ऑफ सॉल्यूट की टर्म आएगी वहां वहां आई का यूज होगा। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है दीदी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आया तो वहां आई का मल्टीप्लाई होगा, तो इस मोलालिटी में आई का मल्टीप्लाई करने से बेटर है मैं आगे आई का मल्टीप्लाई कर दूं बैलेंस करने के लिए। समझ में आया, जहां जहां मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वहां आई का मल्टीप्लाई होना आवश्यक है। समझ में आया, आई के एफ 1.86 मोलालिटी। तुमको ये भी नहीं पता भाई, वो तो उसने बोला मोनोबेसिक एसिड, ये भी नहीं दिया क्या है, मतलब मोलर मास भी नहीं पता तुमको, क्या पता है 1 ग्राम है वो, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 अपॉन उसका एम एम, मोलर मास ले लेता हूँ एम, 1 अपॉन एम उसके मोल्स हो गए, एम उसका मोलर मास है, मोलालिटी लिखना है ना, तो अपॉन में मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम,
तो ग्राम में है तो इसको केजी में होना चाहिए, तो अपॉन 1000 कर दूं, अपॉन 1000 कर दूं, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई, दिक्कत तो नहीं है। एक इक्वेशन हो गई, इसमें क्या क्या नहीं पता, आई नहीं पता, एम नहीं पता, नहीं पता, एक हो गई, वेरी गुड, पहली। फिर एक तुमको न्यूट्रलाइजेशन के लिए, टाइट्रेशन में एक और मदद, एक और इक्वेशन के लिए दिया गया है, इफ अगर 0.2 ग्राम ऑफ सेम एसिड, वही एसिड जो यहां पर सॉल्यूट है, वो तुमने 0.2 ग्राम उठाया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 25 ml ऑफ N/10 एल्कली, बेस कितना चाहिए, 25 ml, और उसकी नॉर्मलिटी कितनी हो भैया, 1/10, 1/10 नॉर्मल होता है इसका मतलब, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन कर दूं, न्यूट्रलाइजेशन कर दूं, वहां से एक इक्वेशन आएगी, क्या इक्वेशन आएगी, कृपया बोर्ड पर देखते रहें, इक्वेशन आपके सामने खुद ब खुद प्रकट हो जाएगी। इस केसेस में हमेशा याद रखना, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट को इक्वेट कराते हैं, हमेशा याद रखना, एसिड बेस पेयर में, मोल्स में इक्विवेलेंट को क्या कराते हैं, इक्वेट कराते हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है, फॉर्मूला होता है, तुमको बता देता हूं, इक्विवेलेंट के फॉर्मूला होता है मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, या नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। अभी तुमको बेस के साथ क्या दिया है, बेस के साथ क्या दिया है, नॉर्मलिटी दी है ना उसकी 1/10, और वॉल्यूम दिया है, तो बेसिस के इक्विवेलेंट आ गए, इक्विवेलेंट ऑफ बेस आ गए, न्यूट्रलाइजेशन होना है ना, तो इक्विवेलेंट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट ऑफ बेस तुमको पता चल गया, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम पता चल गया भैया, नहीं पता चला, हाँ आया, निकाल सकते हो। अब इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और पता कर लूं, तुमको पता है ना तुमने कितना एसिड ले लिया, 0.2 ग्राम ले लिया, मोनो बेसिक एसिड है ना, मोनो बेसिक एसिड, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, कितना 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 वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एसिड के केस में अगर वो एसिड जितने H प्लस निकाल दे, जैसे H2SO4 कितना एच प्लस निकाल सकता है, दो, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। HCl इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। बेस के केस में वो कितना OH माइनस निकाल दे, BaOH ट्वाइस, वैलेंसी फैक्टर 2। मोनो बेसिक एसिड बता कौन से एसिड होते हैं, ये H प्लस निकालते नहीं है, ये दूसरों से OH माइनस निकलवा लेते हैं, नहीं समझे बात को, समझे, खुद H प्लस ना देकर दूसरे से OH माइनस निकलवा लो, वो भी वो बेसिक एसिड होते हैं। समझ में आ रहा है पक्का, ये मोनो बोला, मोनो मतलब एक, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1। तो इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइजेशन के केस में तुमको क्या कराना होता है, टाइट्रेशन में इक्विवेलेंट इक्वेट कराने होते हैं, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू क्या कर दो, इक्विवेलेंट ऑफ बेस है भैया, गुना, दिक्कत तो नहीं है, इक्विवेलेंट तुमको एसिड का वैलेंसी फैक्टर पता है, यहां तुम फॉर्मूला लगा दो, ये वाला मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोनो बेसिक एसिड है मतलब वैलेंसी फैक्टर 1 एसिड का, इनटू इनके मोल्स, कितना तुमने लिया है एसिड, 0.2 ग्राम पर मोलर मास, तो नहीं पता, एम नाम था ना मोलर मास का, ये इसके इक्विवेलेंट हो गए एसिड के, ये बराबर कर दो, बराबर कर दो बेस के इक्विवेलेंट, बेस के इक्विवेलेंट में तुमको नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, तुम बोलो बाद में कहानी नहीं गाएंगे, जिंदगी भर थोड़ी नहीं, एक बार बताते हैं चीजें, याद कर लो तो अच्छा है। नॉर्मलिटी कितनी है बेस की, 1/10 और 25 ml ना, तो 1/10 इंटू 25 ml लीटर में करो ना भैया, 1000, यहां से m की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी दूसरी इक्वेशन से, आ जाएगी दूसरी इक्वेशन से m की वैल्यू, और वो m की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा,
निकाल लो जल्दी, एम और आई निकालो जल्दी जल्दी निकाल लो। ये दो इक्वेशन थी, चीजें समझ में आई? ये इक्विवेलेंट वैलेंसी फैक्टर समझ में आया? ये मोल्स की चीजें हैं भैया, 11th की स्टार्टिंग में यही पढ़ते हैं। तुमने क्या पढ़ा है? कोई बात नहीं, अब तो क्लियर है ना? क्यों भाई, अब तो चीजें घूम नहीं घूम रही ना दिमाग में? अच्छी बात है। हाँ भैया, हैं? तुम निकाले हो तो तुम्हें गलत कैसे ठहरा दें? सही बात है, मोलर मास 80 है, एम 80 आ रहा है मोलर मास एसिड का। तुम भैया क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो क्या? हाँ तुमको पता है अगर इंसान आंखें खोलकर सोने लगे आधी प्रॉब्लम उसकी ऐसी सॉल्व हो जाएंगी। ये टैलेंट होता है कुछ लोगों में। हाँ भैया, मुलर मास यहाँ से 80 आ गया, उसमें आई की वैल्यू पुट कर दो, 80 यहाँ पे पुट कर दो, देख लो आई कितना आ रहा है। ब्लैक टी शर्ट, मुझे तुमसे आई की वैल्यू चाहिए। हाँ मुझे तुमसे आई की वैल्यू चाहिए। नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा प्रिंसिपल्स बहुत प्यारी सी वैल्यू आएगी आई की, देखने में बड़ी क्यूट लगेगी। कितनी? तुम बोलो जितनी उतनी। कितनी निकाल लिया यार? अब ये तो कर सकते हो, कैलकुलेशन तो कर सकते हो यार कैलकुलेशन करना तो आती है ना। 10वीं तक अपने को क्या सीखना होता है? जोड़ना, घटना, भाग देना, गुणा करना। क्या हुआ दीदी, नहीं निकला किसी का? तुम्हारा ब्लैक टी शर्ट, तुमसे पूछा था कितना आया आई? हाँ हम ब्रूसली नहीं है, मतलब मन तो ऐसा कर रहे हैं ऐसे उचकें दें और वापस आ जाएं तो क्या करें, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है। हाँ आई की वैल्यू 1.2 आ रही होगी आई थिंक। आ रही है 5/4 आ रही है? आ रही है तुम्हारी? नहीं आई? 1.2 आ रही है यार। भैया परफेक्ट आ रही है। हाँ ये 28/186 से डिवाइड हो रहा है, पता है तुमको? नहीं हो रहा? मोटा मोटा 1.2 ले लो। आ रहा है आई की वैल्यू 1.2 मान लूं? पक्का आई की वैल्यू? कब आई की वैल्यू 1.2? जब मोलर मास 80 निकला है ना। अब आओ क्वेश्चन पे, क्या पूछा था तुमसे? कैलकुलेट पीएच ऑफ, आई निकाल लिया, मोलर मास निकाल लिया एसिड का, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? अभी तो ये तो चीजें निकली थी, मोटो तो मेरा सॉल्व ही नहीं हुआ। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ डेट एसिड।
मतलब एसिड का तुमने कितना ले लिया, 0.01 मोलर, उसका पीएच कितना होगा? पीएच क्या होता है, लाओ क्या होता है पीएच? माइनस टाइम्स लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तुमको सिखाते हैं तुम कुछ। उफ यार शिट। एसिड होगा, तुमको देखो बताता हूं एक जनरल। सपोज तुम्हारा एसिड एच ए टाइप का है, कौन सा टाइप का है, एच ए टाइप का, अगर मैं एसिड लूं है ना, इसका डिसोसिएशन करा रहा हूं मतलब एच प्लस निकलवा रहा हूं इससे, तो क्या बनेगा, एच प्लस प्लस एम आई। एक कॉन्सेप्ट है, इससे परे कॉन्सेप्ट है, इस आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। इनिशियली तुमने इसका सी कॉन्सेंट्रेशन लिया, डिसोसिएशन करा रहे हो ना, घटेगा ये बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे। मान लो अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, क्या है अल्फा, क्या होता था, कम होने का रेशो ना, तो कितना कम हुआ, सी इंटू अल्फा, तो कम हुआ तो मतलब बचा कितना, सी माइनस सी अल्फा है ना। अगर ये सी अल्फा कम हुआ तो कितना बना, उतना ही सी अल्फा, और ये कितना बना, सी अल्फा। समझ में आई चीजें, तुम भैया सफेदी लगाते हैं सफेद टीका, समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो चीज अल्फा का मतलब होता है 25% कम हो गई सपोज, तो सी कितना बचा, जीरो पॉइंट सेवन फाइव बचा टाइम्स पहले के कंपेयर में, क्या समझे तुमने, क्या हंड्रेड, मैंने तुमसे बोला सौ मानो, क्यों मान लिया? क्यों माना भाई, अल्फा होता है रेशो, किस रेशो में कम हो गया, समझ में आ रहा है? मैंने बोला ये चीज 25% कम हो गई, मतलब कितनी कम हो गई, 1/4 टाइम्स कम हो गई, तो बचा कितना, 3/4 टाइम्स, समझे बात को, पक्का समझ में आया, पक्का ना? या जो ऐसे तुमने 75 निकाला उसको 100 से डिवाइड कर दो। मैंने बोला 40% कम हो गई, तो तुम क्या बोलोगे, 60 बची, पर मैं उसको 0.6 बोलूंगा, मेरा लेवल है भाई, 100 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो अल्फा क्या होता है, उतने रेशो से कम हो गया। तो कितने रेशो से कम हो गया, इनिशियल में जितना था उससे इतना परसेंट कम हो गया, तो मतलब इतना कम हो गया, इतना कम हो गया तो बचा कितना, इसी को डिवाइड कर माइनस कर दिया, समझ में आया, तो सी माइनस सी अल्फा बचा। अब ये इससे सी अल्फा घट रहा था तो सी अल्फा बना, सी अल्फा बना। पीएच क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस टाइम्स लॉग ऑफ एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी अल्फा, तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ सी अल्फा, ये पीएच हो गया, हो गया। और के ए कितना हो गया, के ए डिसोसिएशन ऑफ एसिड कितना होता है, ये फॉर्मूला है भैया, काम आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम का, हंसो मत। देखो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई अपॉन रिएक्टेंट का इंस्टेंट पर कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए। समझ में आया, समझ में आया। एसिड के केस में, मोनो एसिड के केस में ये एच ए एच प्लस प्लस ए माइनस में टूटेगा, तो ये एच प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच ए बनेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा, इसका सी अल्फा, इसका सी माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा इंटू सी अल्फा, सी सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी टाइम्स वन माइनस अल्फा, सी से सी कट गया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मेरे को बहुत आलस आता है, माँ कसम मैं नहीं लिखूंगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, यही होता है, कर लेना और इसको याद रखना, कॉमन केसेस में एसिड के केस में इस टाइप का होता है। सपोज बेस का तुमसे पूछ लिया होता, बेस का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, उसको के बी कहते हैं। इस के ए का मतलब समझो, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, समझे, वो क्या हो गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, किसके केस में, मोनो, एक ही एच प्लस निकल रहा है ना,
तभी तो, वरना अगर दो निकलते तो 2C अल्फा हो जाता, या अगर इधर तीन होते तो यहाँ 3C अल्फा हो जाता। तो जब दोनों चीज़ें मोनो मोनो हैं उस केस में C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। अब तुम इतना समझे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो तुमको पता है, सी तो तुमको गिवन है, कितने का पूछा है, 0.01 मोलर का पूछा है, सी तो तुमको पता है, अल्फा कहाँ से आएगा? अल्फा कहाँ से आएगा? फॉर्मूला लिखवाया था याद करो, डिसोसिएशन के केस में अल्फा, ये डिसोसिएशन ही तो हो रहा है, वो फॉर्मूले का यूज करना है गधों। I-1 upon N-1, एसिड क्या है, मोनो, तो एक तो H प्लस और एक दूसरा इस टाइप का कुछ, तो N कितना हो गया, 2। I तुमने निकाल लिया 1.2, अल्फा इक्वल टू I-1 upon N-1, निकाल लो अल्फा, उसका C से मल्टीप्लाई कर देना, C अल्फा आ गया, उसका नेगेटिव टाइम लॉग ले लेना, pH आ गया, और K कैसे निकालोगे, डिसीजन कॉन्स्टेंट, C पता है 0.01, अल्फा उस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, पुट कर दो, आंसर आ गया। आया नहीं आया तो कर भी लो, पिक्चर मत देखो, मैं क्या तुमको शाहरुख खान लग रहा हूँ? हाँ क्या हो गया, कैट चीजें क्लियर हैं? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ क्या खुश, ओ हाँ तुमने अभी बताया था, भूलने की बीमारी है मुझे, एक बार में याद नहीं होता, इसीलिए मैंने NCERT केमिस्ट्री दसियों बार पढ़ी है। बोलो सर, बोर नहीं हुए? बहुत हुए भाई, कई बार तो ऐसा हुआ था कि मैं NCERT केमिस्ट्री का यूज़ सोने के लिए करता था, समझ रहे हो, जब मुझे सोना होता था और नींद नहीं आ रही होती थी तो NCERT खुल के बैठ जाता था, थोड़ी देर पढ़ा सो गया। हाँ भैया, हैं किसका? अच्छा मैंने बोला इस उम्र में कौन सा इम्पोर्टेंट कॉल आ गया तुम्हें, अभी तो हमारे को नहीं आया। खैर हम किया नहीं, हमने हो सकता था। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ अल्फा कितना निकला, चलो तो ओए ओए अल्फा हाँ? एन तो 2 हो गया ना, अरे यार तुमको अभी तो समझाया था, सुनो मोनो बेसिक एसिड था ना, वो मोनो बेसिक एसिड था, तो मतलब मोनो तो वो OH निकलवा रहा होगा एक, और दूसरा उसका कुछ लगा होगा ना, तभी तो 2 हो गए, नहीं हो गए एन, उसके 2 आयंस में टूटेंगे, तो एन कितना हो गया, 2। तो अल्फा इक्वल टू I 1.2 माइनस 1 0.2 अपॉन N-1, तो 1 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 आ गया। पहले के ए निकाल लो, 0.01 × 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन 0.1 − 0.2 0.8, मतलब 1/4 × 10⁻⁴ मतलब 2.5 × 10⁵ आई थिंक इतना है। गलती हो गई, 5 × 10⁻⁴। के ए पूछ रहे हो ना? हाँ 5 × 10⁻⁴ आ रहा था मेरा आज से। हाँ कितना होता है 5 × 10⁻⁴, 1/2000 को कैसे सॉल्व करो? अबे तुम लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती क्या? सुनो इधर देखो, तरीका बताता हूँ, 1/2000 को सॉल्व करना था ना, इसमें से जितने जीरो है ना उनको ऊपर ले जाओ, 1/2 × 10⁻³ है ना, एक 10 नीचे, दिक्कत तो नहीं है, इसको भी ऊपर ले जाओ नीचे वाले को, 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴, समझे? ट्रिक होती है भाई, कैलकुलेशन को नहीं सिखाएगा तुमको, अब 10वीं तक सीखनी होती कैलकुलेशन, पता है तुमको? नहीं पता? अरे भैया जी चीज़ें बड़ी, आजकल लोग 5वीं क्लास में वो कर जाते हैं जो हम 25वें नहीं करते। हाँ क्या
जा रहे हो? जुताई बर्दाश्त नहीं होगी। अल्फा आ गया, वही हो गया के, और पीएच कैसे निकालोगे? सी इंटू अल्फा था पहले, तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, सी अल्फा होता है ना, तो सी कितना आता? 10^-2। अल्फा कितना आता? 0.2। 2 × 10^-3, इसका नेगेटिव टाइम्स लॉग लेना है तुमको, वो भी नहीं आएगा मुझे पक्का पता है। कोई बात नहीं, देखो पीएच होता है नेगेटिव टाइम्स लॉग ऑफ 2 × 10^-3 ना, ऐसा ए इंटू बी में पहले तो लॉग ए प्लस लॉग बी लगा सकते हो, तो ये लॉग 2 + log (10^-3) माइनस लॉग 2 माइनस माइनस लॉग 10^-3 पावर में बाहर आ जाएगा, है ना। लॉग ये भी बेस 10 होता है, ये भी बेस 10 होता है, तो ये 1 हो गया, तो ये 3 हो गया, तो ये हो गया 3 माइनस लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, लिख लो लॉग 2 इक्वल टू 0.3, लॉग 3 इक्वल टू 0.48, लिखो बेटा आज के बाद नहीं समझाऊंगा। लॉग 2 0.3, बेस 10 है सब में, है ना दीदी। लॉग 3 0.48, लॉग 4 नहीं लिखवाऊंगा, पूछो क्यों। 2 की पावर 2, 2 बाहर आ गया, अबे गधे। लॉग 2 0.3, 0.3 × 2 0.6, समझ में आया। अबे लॉग 4 ना, इसको लॉग 2 की पावर 2, 2 को यहां आ गया, 2 × log 2 ना आया, 0.6। हाँ भैया, अच्छा हैं हैं, तेज बोलो, मेरे को कानों में नहीं जा रहा। कहां से आया? मेरा जो मोटिव था वो पीएच निकालना था, पीएच निकालना था। पीएच क्या होता है? माइनस टाइम्स लॉग ऑफ एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सी अल्फा, तो सी 10^-2, वो सी नहीं, कॉन्सेंट्रेशन वाला सी, 10^-2। अल्फा 0.2 निकाला, तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? 2 × 10^-3। समझ में आया तुमको खुशी? तुम हमको कर रही हो दुखी। आया, उसको इसमें सॉल्व किया, 2.7 है पीएच। चीज़ें क्लियर हुई कैसे करी? 5-6 क्वेश्चंस का, 5-6 चैप्टर का एक क्वेश्चन था या नहीं था? यही होता है एडवांस में, ऐसे क्वेश्चन आता है। हाँ आया ना। अच्छा सुन, दिमाग के ऊपर से तो नहीं गई चीज़ें, जब मैंने समझाया तब समझ में आया ना, भले ही खुद से नहीं बना, मैंने समझाया तो आया। बस इसे ही कहते हैं प्रोग्रेस, यही प्रोग्रेस 1 साल कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो वेरी गुड, आज के लिए इतना बहुत है, आगे नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। अरे अरे ब्लैक, मैम को बोलना, मैम को बोल दो बंद कर दो।